सरकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले के विरोध में प्रदेश भर के वकीलों ने कामकाज ठप रखा है। प्रदीप ट्रिब्यूनल 12 स्टेशन के सदस्यों के आह्वान पर जहां प्रदेश भर में वकीलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया, वहीं मंडी में भी वकीलों ने सरकार के इस फैसले का खूब विरोध किया है। सरकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले के विरोध में प्रदेश भर के वकीलों ने कामकाज ठप रखा। प्रदीप ट्रिब्यूनल 12 स्टेशन के सदस्यों के आह्वान पर जहां प्रदेश भर में वकीलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया, वहीं मंडी में भी वकीलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। मंडी बार एसोसिएशन के सचिव निशांत बालिया ने सरकार के इस फैसले के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ये फैसला गलत में एक तरफा है। ट्रिब्यूनल को केवल ट्रांसफर के मामलों पर पारित स्थगन आदेश हो कि अब इसमें बंद करना सरकार की तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हिमाचल के ट्रिब्यूनल की तर्ज पर प्रशासनिक होने जा रही है, जबकि हमारी सरकार इसे बंद करने का फैसला ले रही है जो कि समझ से परे है। इसके अलावा शिमला में अधिवक्ताओं के खिलाफ पुलिस की वर्दी की भी वकीलों द्वारा निंदा की गई। वकीलों के इस विरोध के चलते कोर्ट कचहरी के कामों के लिए मंडी पहुंचे लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं निशांत बालिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी। आज हमारी DBA मंडी ने कोर्ट को एब्सटेन करने का निर्णय लिया था, और ये जो निर्णय लिया गया था ये सरकार के एक मुख्य फैसला जिसमें सरकार ने HP स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बंद करने का फैसला लिया, उसके विरोध में लिया गया था। तथा इस एब्सटेन से आज हमने सरकार को से अनुरोध भी किया है, और ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आपने जो फैसला लिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बंद करने का उसको वापस लिया जाए, और जल्दी से जल्दी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो बंद करने का फैसला लिया उसको बहाल किया जाए। और इसके सिवाय जो दूसरा हमने आज जो दूसरा मुख्य कारण रहा हमारा आज कोर्ट एक्सटेंड करने का, उसका वो रीज़न रहा कि जो शिमला में पुलिस वालों की जो गुंडागर्दी चल रही है अधिवक्ताओं के प्रति, और अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके का मिसबिहेव किया, और लगभग 50 अधिवक्ताओं के खिलाफ एक केस मैनिपुलेटेड केस जो बनाया गया और जिसके तथ्य पर एक FIR की गई, उसके भी हम कड़ा विरोध करते हैं, और सरकार से वो भी अनुरोध करते हैं कि इस पर भी कड़ा उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए।